9 विकेट लेकर ईशान ने गोल्डन बैट की रेस में लगाई लंबी छलांग। देखिए उमेश और शमी का स्थान। नमस्कार, भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच भारत ने तीसरे दिन पहले घंटे में 40 रन और पारी से जीत लिया। इस मैच में भारत के तेज गेंदबाज ईशान शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ईशान शर्मा ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लिए। 9 विकेट लेकर ईशान शर्मा ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में गोल्डन बॉल की रेस में लंबी छलांग लगाई है। तो चलिए देखते हैं ICC टेस्ट चैंपियनशिप में गोल्डन बॉल की रेस में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव किस स्थान पर हैं। गोल्डन बॉल की रेस में ईशांत शर्मा इस स्थान पर। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने के बाद ईशांत शर्मा ICC टेस्ट चैंपियनशिप में गोल्डन बॉल की रेस में चौथे स्थान पर आ गए। ईशांत शर्मा ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 6 मैच खेले, जिनकी 12 पारियों में 15.56 औसत और 2.86 की इकोनॉमी से 25 विकेट लिए हैं। इस दौरान ईशान ने 2 बार 5 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9.78 है। उमेश यादव और मोहम्मद शमी का स्थान। उमेश यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए और वह ICC टेस्ट चैंपियनशिप में गोल्डन बॉल की रेस में 6वें स्थान पर आ गए हैं। उमेश यादव ने टेस्ट चैंपियनशिप के 4 मैचों की 8 पारियों में 23 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शमी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और उनके 7 मैचों में 31 विकेट है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर 34 विकेट लेने वाले पैट कमिंस हैं। दूसरे स्थान पर 31 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी हैं। तीसरे स्थान पर 26 विकेट लेने वाले जॉस हेजलवुड हैं। चौथे स्थान पर 25 विकेट लेने वाले ईशांत शर्मा है और 5वें स्थान पर 23 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड है।